सो दिस इज इट एंड मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ऊटी। तो मैं काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। तो इतना ग्रीनरी मैंने अपने लाइफ में कहीं नहीं देखा है। मैं फर्स्ट टाइम साउथ आ रही हूँ ऐसे, एंड अभी से ही मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा रूट इतना प्यारा था, मैं सो रही थी लेकिन बीच बीच में उठ के देख रही थी फिर भी। तो ये रिजॉर्ट है प्लांटर्स प्लंज और मैंने एक कॉटेज लिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर वैरायटी ऑफ रूम्स अवेलेबल है। रूम का व्यू मैं आपको बाद में दूंगी, मतलब ठीक है। थोड़ा मुझे कंप्लेंट्स है, लाइक फ़ैन नहीं है, हीटर जल्दी हीट नहीं कर रहा है और इतनी ज़्यादा ठंडी है अभी। तो फिर भी मैंने ऐसे पहना है, मैं सोच रही हूँ एक जैकेट कैरी कर लूँ बिकॉज आई एम गोइंग आउट। बट एनीवेज अभी चलते हैं मार्केट एंड देखते हैं ऊटी का मार्केट कैसा है। और मुझे बोट क्लबिंग के लिए भी जाना है एंड टी फैक्ट्री में भी जाना है। अभी कौन सा अवेलेबल है यहाँ से, कुछ 15 किलोमीटर्स है, तो देखते हैं कैसे होगा। या कम विद मी। मैंने सोचा जाने से पहले आपको अपना रूम टूर दे ही देती हूँ। तो ये फुल ग्लास डोर दिया गया था ताकि आप अपने रूम में बैठकर इस प्यारे से व्यू को एंजॉय कर सको। रूम साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। बॉन फायर भी अवेलेबल था रूम में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस डिग्रीज़ में चला जाता है एवरी एंड ऑफ द ईयर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और इसलिए इन रूम्स में फ़ैन्स भी अवेलेबल नहीं थे। अदरवाइज़ रूम और बाथरूम बहुत ही ज़्यादा क्लीन और फ्रेश थे। एंटायर एम्बियंस वॉज सो पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा हम्बल और फ्रेंडली था। सो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, ऊटी इज़ द पॉपुलर हिल स्टेशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन विच इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। यहाँ घर माउंटेंस में बने हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल घर होते हैं। मेरा रिजॉर्ट हिल टॉप पर होने की वजह से आई वॉज एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट सीनिक ब्यूटी ऑफ ऊटी। यहाँ के कॉटेजेस का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था एक दूसरे से, सो देर वॉज नो डिस्टर्बेंस। यू कैन स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम विथ योर लव्ड वंस और आप अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो। मुझे बहुत लेट हो गया है तो चलो अब निकलते हैं जल्दी से बोट हाउस के लिए। रास्ते में जाते जाते मुझे दिख गया ये बुल, इसे यहाँ पर बाइसन कहते हैं और ये बहुत ह्यूज होता है, आप देख ही सकते हो। और ये फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादातर देखे जाते हैं। बिकॉज मैं फॉरेस्ट एरिया में रुकी हुई हूँ इसलिए मुझे ये दिख गया कोइंसिडेंसली। और मुझे मंकीज़ भी काफ़ी सारे दिखे। अभी मुझे बस एक एलिफेंट दिख जाना चाहिए तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाएगा इस ट्रिप का मुझे। सो गाइज, मैं अभी आ गई हूँ बोट क्लब के लिए। मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई थी ऊटी मैसूर घूमने के लिए, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मेरा एक फ़ोटो है जो मैं अभी वीडियो में नीचे रखूँगी अपना, जो मेरे पापा के साथ है रहेंगे। इट्स द सेम बोट क्लब। यहाँ पे एंट्री का एक 15 रुपीज़ है कुछ तो चार्ज एंट्री का, बोटिंग का भी अलग रहेगा, वो अंदर जाके देखते हैं। सो गाइज, ये टैरिफ है यहाँ का। तो ये है बोट हाउस के अंदर का व्यू। काफ़ी बड़ा गार्डन है, सिर्फ बोटिंग ही नहीं तो आप गार्डन में भी आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और लेक तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। माय कैमरा इज़ नॉट एट ऑल डूइंग जस्टिस टू दिस। तो चलो अभी करेंगे बोटिंग, क्योंकि ये 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं 5, तो मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आई हूँ एंड मुझे मिल जाएगा बोटिंग करने के लिए। मैंने 30 मिनट्स का लिया है विच कॉस्ट मी अराउंड 300 पर पर्सन। तो अभी मैं वो इस लेक के बीचों बीच, और आप पीछे देख सकते हो ये पीछे पूरा उधर का लोकल सिटी है। मेरा बस चले तो मैं इसी किसी किनारे अपना छोटा सा घर बना लूँ और यहीं रुक जाऊँ। ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है तो और बढ़िया लग रहा है मुझे, और एकदम ट्रिप मेरा सार्थक हो गया ऐसे लग रहा है। आई एम वेरी मच हैप्पी, दिस इज़ सो पीसफुल। तो बोट राइड के मेरे 30 मिनट्स हो गए हैं ख़त्म और अभी मुझे निकलना चाहिए बाहर, नहीं तो भैया उधर से पॉप पॉप बजा के मुझे वापस बुलाएंगे। उससे पहले मैं जा रही हूँ ब्रिटेन। बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैंने अपना जैकेट पहन लिया है, फ्रीज हो रही हूँ एकदम। एंड लोग अभी भी कर रहे हैं बोटिंग, पर ठीक है मैं तो अभी निकल रही हूँ। अब देखते थोड़ा सा कुछ खा के फिर टी फैक्ट्री के लिए जाते। यहाँ बोट हाउस में काफ़ी सारी शॉप्स थी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। विंटर वेयर्स थे, ऊटी की फेमस चॉकलेट्स थी, खारी था, बच्चों के लिए टॉय शॉप्स थे, फैंसी होम डेकोर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल एग्जीबिशन ओनली। येस, थोड़ा एक्सपेंसिव था तो मैंने कुछ ऐसा सच परचेस नहीं किया, बट वैरायटी बहुत थी स्पेशली विंटर वेयर में।
सो देन मुझे मिला यहाँ पर ये चॉकलेट फाउंटेन, तो मुझे लगा इसको तो मैंने डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए बिकॉज आई जस्ट लव चॉकलेट। तो इस ठंडी ठंडी बारिश में ऐसी हॉट चॉकलेट खाना मतलब स्वर्ग सुख ही है। तो मैंने ये ट्राई किया और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप आते हो तो आप इसे भी ट्राई करना। सो गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो अभी एक रेस्टोरेंट में आई हूँ जो यहीं पर ही है, और मैंने ऑर्डर किया है मैगी और चिली गोभी। तो खाकर देखते हैं टेस्ट कैसा है। और आई जस्ट होप यार बारिश बंद हो जाए क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है मुझे। तो मुझे लग रहा है अगर गोभी और ऐसी क्लाइमेट में मैं सीधा बीमार हो जाऊँगी। रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा शोर था इसलिए मैंने वहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया वीडियो, बट फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा था, हाइजीनिक था प्लेस। तो आप डेफिनेटली वहाँ से अपना खाना पीना कर सकते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैं निकल चुकी हूँ अब चॉकलेट फैक्ट्री के लिए। आप देख सकते हो रूट बहुत प्यारा है, ये घर कितने सुंदर लग रहे, कलरफुल एकदम। मैंने ये कैब वैप ले लिया है, मुझे 150 rupees में मिला। बहुत ठंडी है, बिना कैब के बिल्कुल नहीं हो रहा है। एंड अभी मैं आई हूँ ऊटी के फेमस चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। एंट्रेंस यहाँ पर है 30 rupees। फिर अंदर जाकर देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कुछ लगा तो खरीदेंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल है, और सिर्फ चॉकलेट्स ही नहीं तो टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, सैंडल सोप्स, इसेंशियल ऑयल्स, हनी, स्पाइसेस, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हो। ऑल्सो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। यहाँ की चॉकलेट्स दे आर सुपर फ्रेश एंड अमेजिंग इन टेस्ट। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ब्रांडेड वन विच आर फिल्ड विद प्रिजर्वेटिव्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द क्वालिटी वन एंड लोकली मेड प्रोडक्ट्स। प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे तो आप आराम से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। तो जल्दी से प्लान करो एंड आओ यहाँ से चॉकलेट्स खरीदने। 8 बज रहे हैं, मैंने अपना खाना भी पार्सल ही लाया है तो वो थोड़ा खाऊंगी। इसमें अभी जस्ट अपने रूम पर आई हूँ। एक्चुअली मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैं उस टी फैक्ट्री से निकली और बाहर जब निकली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठंडी का लेवल इतना बढ़ गया है कि मुझे लग रहा है मैं अभी तक मनाली शिमला गई नहीं हूँ, बट मुझे इस ठंडी को देखकर लगता है कि मैं जा भी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाती हूँ और मैं एकदम फ्रीज हो गई थी। तो एक्चुअली मुझे सिटी एक्सप्लोर करना था बट वो नहीं हो पाया, तो मैं सीधा अपने कैब में बैठ के घर पर आ गई, मतलब रूम पर आ गई अपने। और जब से आई हूँ तब से गर्म पानी पी रहा अपने गले के लिए क्योंकि इतना गला वगैरह एकदम सुन्न हो रहा है। तो आज के लिए तो इतना ही, कल का क्या प्लान रहेगा वो मैं आपको बताऊँगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर वीडियो को लाइक कर रहे हो तो जेन्युइनली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। And yeah, bye, good night.